अब मैं प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने भाषण दें। नामवर जी की बात बोलने के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। फायदे ये कि बराबर मेरे कान में कहीं से आवाज आ रही कि आज तो कुछ न कुछ बदला चुका ही दो, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार करते रहते हैं कि नामवर जी की बात बोलें। और इसके नुकसान भी हैं, और सबसे बड़ा नुकसान ये है, और उसमें मेरी राह आसान कर रहे हैं तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास ने एक जगह कहा है, निज कर मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाए अस अद्भुत वाणी। शमशेर के बारे में नामवर जी का लिखा और नामवर जी का ये बोला हुआ, ये आप्त वाक्य की तरह है। अर्थात ये मानकर चलिए कि उन्होंने शमशेर संगोष्ठी का उद्घाटन ये कह के कर दिया कि शमशेर जो हैं जितने हिंदी के हैं उससे ज़्यादा उर्दू के हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है वो शमशेर को इस गोष्ठी के बहाने एक नए ढंग से खोजेगा। जैसे आखिर में नामवर जी ने कहा भी है कि शमशेर एक अलग किस्म का कवि है, इस अर्थ में कि वो कोई लोकप्रिय कवि नहीं है, परंतु लोक में जितने लोकप्रिय कवि बसे हुए हैं शायद शमशेर उससे ज़्यादा बसे हुए हैं। अगर आप केवल एक हिस्सा ही उसका देखें कि शमशेर के बारे में कहा जाता है वो कवियों के कवि हैं, शायद ही हिंदुस्तान की दूसरी दीगर जुबानों में जिन्होंने शमशेर को पढ़ा होगा शायद ही कोई होगा जो शमशेर से उस तरह से प्रभावित न हो जिस तरह हम दुनिया के दूसरे बड़े कवियों से प्रभावित होते हैं। नामवर जी ने मलारमे का नाम लिया, बहुत सारे दूसरे कवियों का आप नाम ले सकते हैं। असल में शमशेर मुकम्मल तौर से एक ऐसे कवि हैं जो हिंदुस्तान में रसे बसे हुए हैं, और उनकी जुबान एक तरफ उन्होंने बहुत उम्दा उर्दू में लिखा है और दूसरी तरफ बहुत ही बेजोड़ हिंदी में भी लिखा है, और ये दोनों एक ही विरासत से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं सोचता हूँ कि वैसे नाम लेने भर की ज़रूरत नहीं, पर जैसे प्रेमचंद से हिंदी और उर्दू की बहुत सारी चीज़ें शुरू होती हैं, इसी तरह आधुनिक कविता की बहुत सारी चीज़ें हिंदी उर्दू में ये शमशेर से शुरू होती हैं। और शमशेर इस मानी में शायद उन खुशनसीब कवियों में हैं जिन्हें दोनों जुबानों को लोग प्रेम करते हैं, और ये संयोगी है कि शमशेर ने काम भी दोनों जुबानों में किया। बल्कि हम लोग तो कभी कभी ईर्ष्यावश कहते थे कि शमशेर जी आप ज़्यादा उर्दू के हैं, क्योंकि उर्दू में जो बेहतरीन पारिभाषिक शब्दावली बनाने के लिए जो रास्ता शमशेर ने साफ किया, अगर वो हिंदी को मिल जाता तो मुमकिन था कि हिंदी के पास फिर लोगों को विनोद करने की ज़रूरत न रहती कि हिंदी में बहुत अधिक संस्कृत हो गई है। शमशेर ने हिंदुस्तानियत के लहजे से उर्दू को पुष्ट इसलिए भी किया, जैसे डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा कि वो मुकम्मल तौर से उर्दू में रसे बसे हुए थे। दोस्तों, शमशेर को जानना इस मानी में केवल कविता को जानना नहीं है बल्कि हिंदुस्तान को जानना है, क्योंकि इन दोनों जुबानों में उन्होंने जो कुछ कहा है वो लोकप्रियता के बहाने से शायद कम लोगों तक पहुंचा हो, लेकिन अलोकप्रियता के बहाने से वो सबके दिल दिमाग में पहुंचा हुआ है। जिन लोगों ने शमशेर के शेर व शायरी नहीं भी पढ़ी उर्दू में वो भी उनको ये इत्तला है कि हाँ, शमशेर एक उर्दू से जुड़े हुए एक शायर है। हालांकि मुझे याद नहीं पड़ता कि शमशेर जब कवि गोष्ठियों में और कवि सम्मेलनों में जाते थे तो बहुत निहायत एक
संकोची किस्म के आदमी थे और बहुत संकोच में अपनी चीज़ें पढ़ते थे। लेकिन ये कहने की मुराद ये है कि शमशेर में सहज भारतीय हिंदुस्तानी जो सहजपन है वो उनमें मौजूद था, और इसलिए अपनी उस हिंदुस्तानियत की वजह से जो उनकी शमशेरियत है वो आज भी अपना लोहा मनवा लेती है। इस अर्थ में भी लोहा मनवाती है कि उनकी कविताएं अब बराबर लोगों को अपनी ओर खींचती हैं, इसलिए भी कि बहुत सारी कविताएं उनकी ऐसी हैं जो अगर आप यकीन न भी करें तो लगता है कि जैसे वो कोई रोजनामचा तैयार कर रहे हों, किसी पेंटिंग को देख रहे हों, किसी पोइट से मिले हों, किसी को मिल के आए हों, तो वो उन चीज़ों को एक बहुत ही निहायत कवि की हैसियत से उनको दर्ज कर देते थे। और बहुत सारे लोग आज जब उन पर काम करते हैं, और मैं सोचता हूँ कि शायद मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से कोई ऐसा रिसर्चर ज़रूर निकलेगा जो कि उनकी तफसील से उनकी खोज करते हुए बताएगा कि शमशेर में क्या चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ शमशेर बहुत मुश्किल कवि हैं, कला के बारे में, आर्ट के बारे में, विचारों के बारे में वो वाम मार्गी थे, कम्युनिस्ट थे, और इसकी इतला भी करते थे अपनी कविताओं में भी, उन्होंने अपने बारे में इस तरह से कहा है। और साथ ही साथ हिंदुस्तान से बहुत अधिक मोहब्बत करने वाले, यानी आपको इतने मार्मिक चित्र दूसरे कवियों में कम मिलेंगे जितने शमशेर में हैं। शमशेर में गुर्बत के जो युद्ध आतंक की जो वारदातें हैं उनके जो चित्र हैं वो शमशेर में शायद दूसरे कवियों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा बढ़िया मिलेंगे। और इसलिए आज शमशेर हमारे लिए ज़्यादा बड़े कवि हैं। मैं तो इस एक पॉइंट पर लड़ने के लिए तैयार हूँ कि शमशेर क्यों ज़्यादा प्रासंगिक हैं, क्यों ज़्यादा रेलिवेंट हैं बजाय दूसरे कवियों के, क्योंकि दूसरे कवियों ने अपनी बातें एक तरह से वो उस तर्ज पर कही हैं जो कि समाज में पहले से मौजूद है, और शमशेर एक तरह से एक ऐसे कवि हैं जो एक नई राह ढूंढने वाले कवि हैं। और उद्घाटन के मौके पे ये ज़रूर कहा जा सकता है कि शमशेर को हिंदी और उर्दू दोनों लोगों को उन्हें लेकर उसी तरह लड़ना चाहिए जिस तरह मध्यकाल में कबीर को लेकर लड़ाई हुई थी कि नहीं ये हमारे हैं और तुम्हारे नहीं हैं। शमशेर के लिए ये लड़ाई इसलिए लड़नी वाजिब है कि कम से कम उर्दू के लोग ये बताएं कि हाँ, उन्होंने जो मुहावरा हिंदी कविता को दिया है वो उर्दू के बरास्ते उर्दू दिया है, और हिंदी के हम कवि अगर लड़ेंगे तो कहेंगे कि उन्होंने जो हस्तक्षेप किया है उर्दू कविता में वो बरास्ते हिंदी किया है। और ये लड़ाई का मौजू ज़रूर है, लेकिन ये वास्तव में शमशेर की उस शख्सियत को जानना है जिसकी वजह से शमशेर बहुत कहना चाहिए कि लंबे अरसे तक तो नहीं, कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक शमशेर प्रासंगिक रहेंगे। मित्रों, उद्घाटन के इस मौके पर अभी और कुछ बातचीत होगी। मैं सोचता हूँ कि इतना ही कहना मुनासिब होगा कि शमशेर बहादुर सिंह हिंदी और उर्दू की उस एक बड़ी भाषा के कवि हैं, एक बड़े पेड़ की तरह हैं वो, जिनकी छाया हिंदी और उर्दू की तरह सब ओर फैलती रहती हैं। आइए अपने हिंदुस्तानियत के उस एक माहौल को फिर से जानने, परखने और उसे बढ़ाने के लिए शमशेर के रास्ते देखें, और उससे ये महसूस करें कि हमारी जुबान कितनी बड़ी है। मैं तो दरख्वास्त करूंगा कुलपति महोदय से, वाइस चांसलर साहब से, कि शमशेर के बहाने ही सही, शमशेर के नाम से ही सही, इस मुल्क में हिंदुस्तानियत की एक और मुहिम जारी होनी चाहिए।